हिजबुल्लाह का नया चीफ मारा गया। 24 घंटे बाद भी सिफेद्दीन का नहीं चला पता। इसराइल ने बेरूत पर फिर बरसाए बम। हिजबुल्लाह और लेबनान पर इजरायली हमले रुक नहीं रहे हैं। इजरायली ने बेरूत में शुक्रवार और शनिवार की रात 12 बार बमबारी की। इधर हिजबुल्लाह प्रमुख के सबसे बड़े दावेदार हाशिम सैफुद्दीन का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी इजरायली हमले में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने इससे खंडन भी नहीं किया है। बेरूत, रॉयटर्स। लेबनान की राजधानी बेरूत के हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले दक्षिणी उपनगरों में इजरायली विमानों ने शुक्रवार शनिवार रात 12 बार बमबारी की है। साथ ही लेबनान के त्रिपोली शहर के नजदीक स्थित फलस्तीनियों के शरणार्थी शिविर को भी निशाना बनाया है। इस हमले में हमास की सैन्य शाखा के एक अधिकारी, उसकी पत्नी और दो बेटियों की मौत हुई है। इस बीच शुक्रवार के इजरायली हमले के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हिजबुल्लाह प्रमुख के सबसे बड़े दावेदार हाशिम सैफुद्दीन का पता नहीं चला है। सैफुद्दीन के बंकर को बनाया निशाना इजरायली विमानों ने गुरुवार रात बेरूत के उपनगर दानिये में उस भवन को निशाना बनाया था, जिसके नीचे बने बंकर में सैफुद्दीन सहयोगियों के साथ बैठक के लिए मौजूद था। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह ने सैफुद्दीन के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल नादेव शोशानी ने कहा है कि गुरुवार रात हिजबुल्लाह के खुफिया मामलों के मुख्यालय पर किए गए हमले के परिणामों का आकलन किया जा रहा है। इसी भवन पर हुए हमले के बाद सैफुद्दीन के मारे जाने की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान ने अभी तक इस चर्चा का खंडन नहीं किया है। हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका अगर सैफुद्दीन मारा गया है तो यह हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के ईरान और अन्य देशों से संबंधों का प्रभारी था। साथ ही हिजबुल्लाह की विचारधारा को तय करने वालों में उसका ओहदा नसरुल्लाह के ठीक बाद का था। हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले बेरूत के उपनगर दानिये पर इजरायल के लगातार हमलों से वहां कई बहुमंजिली इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। इनमें से कई इमारतों से हमले के कई दिन बाद भी आग सुलग रही है और धुआं निकल रहा है। रोज के हमलों से डरे हुए आमजन इलाका छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं। विदित हो कि इसी इलाके में हिजबुल्लाह का मुख्यालय था, जिस पर हमले में नसरुल्लाह की मौत हुई थी। ईरानी तेल ठिकानों पर हमला न करे इजराइल। बाइडन ईरान के मंगलवार को हुए मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए इजराइल और अमेरिका में विचार मंथन चल रहा है, लेकिन इजरायली हमले की आशंका से विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के लिए कहा था, लेकिन शनिवार को उन्होंने ईरानी तेल ठिकानों पर भी हमला न करने का अनुरोध किया। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान में उन निशानों का तलाशना मुश्किल होगा, जिससे कि लगे कि उसने ईरानी हमले का प्रतीकात्मक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ईरानी नेता अली खामेनेई के शुक्रवार की भड़काऊ तकरीर ने इजराइल पर प्रभावी जवाब के लिए दबाव और बढ़ा दिया है।